आज हम भिखा साहब का, उनके जो साधना सूत्र हैं उनको हम समझेंगे। संतों ने सूत्र दिए हैं, लेकिन ओशो ने उनके राज खोले हैं। वो भाषा तो हमारे आज की अनुरूप बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन ओशो ने उसके जो सूत्र खोले हैं, जो बीजक खोले हैं, उसके कारण हमारे लिए बोधगम्य हो गया, समझगम्य हो गया। और संतों ने जो संदेश दिया है जीवन में, वो हमारे जीवन में आसानी से हम जी सकते हैं। तो पहले हम भिखा साहब का गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर उसकी व्याख्या, उसका अर्थ जो है वो हम उसमें जाएंगे। ओशो ने सभी संतों को इतना इतना प्रेम किया है, और इतना सम्मान, और इतना उनको, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में रस ही घोल दिया है। तो आए सबसे पहले उनके गीत को सुनते हैं, भजन को सुनते हैं, भिखा साहब। झूमते हुए सुनना। हो सके तो गाते भी जाना। हंसी बोलू सो, परम
यार हो हसी बोला हूँ मोसो भरम गांठ छूटे प्रभु तोसो। भिका साहब ने जो ये पद बोला है इसका पहले हम भावार्थ समझ लें, उसके बाद उसमें जो गूढ़ रहस्य छुपा है उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि हे परम मित्र जरा मुझसे हंसो, बोलो खेलो, संसार से हमारी प्रेम की गांठ का भ्रम छूट जाए और तुमसे प्रीति लग जाए। अब तक तुम ही मेरा पालन करते आए हो, तुमने मुझे जीवन दिया, भोजन दिया, पोषण दिया, अपना वचन विसार कर मैंने तुम्हारे स्मरण में जीना छोड़ दिया, लेकिन तुम दयालु हो, गुस्सा नहीं होते, तुम ही करता हो और सारे कर्म जो हम करते हैं वे भी तुम्हारे करवाए हुए हैं, मेरी बुद्धि भी तुम्हारी ही भेंट है, तुम अंतर्यामी हो, सब जानते हो, क्या कहूं तुमसे, और भूलों के लिए भी मैं क्या अफसोस करूं, है ना, तुम अंतर्यामी सब जानो, भीखा कहा कर ही अफसोस हो। हजरत मूसा के समय ईश्वर की चर्चा, ईश्वर का संबंध कैसा था और भीखा तक संबंध कैसा हुआ, भक्त जो है भक्ति में विविध प्रकार से करते हैं। एक एक संबंध है दास भक्ति, जिसमें कि प्रभु स्वामी है, भगवान जो है वो स्वामी है और भक्त जो है वो दास है। एक है कांता भक्ति, जिसमें कि परमात्मा जो है वो प्रेमी है, प्रीतम है और भक्त प्रेसी है। एक तो बंगाल में सखी संप्रदाय ही है और जिसमें उसके बाद भी कोई कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, मित्र हो। तो जब हजरत मूसा के समय ईश्वर, वो कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारा चाचा नहीं लगता, वो तो बहुत क्रोधी है, अपराध का दंड देता है। फिर समय बदला, फिर ईसा मसीह आए, उन्होंने कहा भगवान पिता है और प्रेमपूर्ण है और क्षमाशील है, अपने भूलों का प्रायश्चित कर लो, वह माफ कर देगा। और भीखा ने तो और आगे की बात कह दी। भीखा कहते हैं वह दोस्त है, वो दयालु है, प्रायश्चित करना वही सब कर रहा है। प्रायश्चित क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, वही सब कर रहा है, वही हमसे करवा रहा, वही ये जो बुद्धि है हमें मिली है वो भी उसी की देन है और वो हमारा कल्याण मित्र है। पुलिस वाला नहीं है, न्यायाधीश नहीं है, गंभीर तानाशाह नहीं है। तो इसीलिए हंसते बोलते भक्ति भाव में डूबो, हंसते बोलते भक्ति भाव में डूबना बहुत संभव है और गंभीरता से तो बहुत कठिन बात है। गंभीरता एक आध्यात्मिक रोग है और ओशो ने इस रोग से हमें मुक्त कराया है। भीखा जैसे संत, गोरख जैसे संत सब कोशिश करते रहे, हमेशा उन्होंने ये संदेश दिया, लेकिन ओशो ने इस बात को बहुत बहुत जोर देकर बदल दी, मनुष्यता की सोच ही बदल दी। गंभीरता एक आध्यात्मिक रोग है। और एक बात समझ लेना है, समझने की बात यह है कि बाहर से जो है वो आनंद नहीं मिलता, ये भ्रम टूटना है बस। और साधना कुछ इसकी शुरुआत यही है कि पहली शुरुआत ये कि बाहर से हम सोच रहे हैं कि सब कुछ मिलने वाला, आनंद मिलने वाला है, ये भ्रम टूट जाए। भीखा कहते ना प्रभु भ्रम गांठ तोड़ दो मेरी, तो यही भ्रम कि बाहर से जो आनंद मिल रहा, बाहर से कुछ मुझे मिल रहा, ये टूट जाए। कस्तूरी कुंडल बसे, हमारे भीतर आनंद विराजमान है, सुख का स्रोत भीतर है हमारे। तो जगत से, संसार से राग की व्यर्थता पता चल जाए और भीतर से, अंतरात्मा से प्रेम जुड़ जाए, यही योग है। तो ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, ये दाना पानी दे रहा है, हमें सांस दे रहा है, आदमी क्या सोचता है कि हम कमा रहे हैं,
हमारी बुद्धि से हम चल रहे हैं। हम सब प्रभु से जुड़ते हैं, जन्मते हैं, बचपन में जुड़े रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं, प्रफुल्ल रहते हैं, आनंदित रहते हैं, पुलकित रहते हैं। लेकिन क्रमशः क्या होता है कि विचार आते हैं, वासनाएं आती हैं, और इन विचारों में, इन कामनाओं में, इन वासनाओं में विस्मरण हो जाता है और विस्मय बोध विलीन हो जाता है, लेकिन अस्तित्व नाराज नहीं होता। ऐसा होना प्राकृतिक है, हमारी चेतना की परिपक्वता के लिए, मैच्योरिटी के लिए ऐसा होना जरूरी है। परमात्मा हमारी प्रतीक्षा करता है कि हम कब प्रतिक्रमण करेंगे, कब अपने घर वापस लौटेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे अन्य पशु पंक्षियों का पालन पोषण अस्तित्व कर रहा है, हम तो अपनी बुद्धि से नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आजीविका कमा रहे हैं। वे भूल ही जाते हैं कि बुद्धि भी उसकी देन है, और इसी कारण अहं केंद्रित हो जाते हैं, प्रभु से कट जाते हैं। जैसे वृक्ष को पानी पीने के लिए जड़ें दी हैं, पत्तों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल दिया है, पंछियों को पंख दिए हुए हैं, जानवरों को पैर दिए हुए हैं कि भाई अपनी खोज पर निकलो भोजन के, लेकिन मछलियों के लिए तैरने का इंतजाम किया है, नदियों और सागरों से ही उनके पालन पोषण की व्यवस्था जुटाई है। वैसे ही मनुष्य को बुद्धि बैठती है, ये मेरा और तुम्हारा किसी का सृजन थोड़ी है, किसी का सृजन नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई भेंट है ये बुद्धि। जिस दिन ये समझ में आ जाए तो फिर कर्ता भाव विदा होता है, फिर अहंकार विदा होता है, और प्रभु की याद बहुत ही सरल हो जाती है। परमात्मा जो है वो अंतर्यामी है, अंतस में बैठा हुआ है। अंतर्यामी का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि दूसरों की बात पढ़ ली, दूसरों को मन को पढ़ लिया, माइंड रीडिंग कर ली, नहीं ऐसा नहीं है। अंतर्यामी का अर्थ है वो हमारे भीतर बैठा हुआ है और सब जान रहा है, जानने वाला है। भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा साक्षी चैतन्य है, वह सब जान रहा है, और चूंकि वह भीतर हमारे ही बैठा हुआ वही जान रहा है, उसी की दी हुई बुद्धि है, उसी का सब कुछ है। तो भीखा कहते हैं, पछतावा भी क्या करूं, का करूं अफसोस हो, अब अफसोस भी क्या करूं, पछतावा भी क्या करूं, सब तुम्हारा ही खेल है। तुमने भुलाया और तुमने फिर याद दिलाई, भुलाने वाले भी तुम हो, याद दिलाने वाले भी तुम हो, क्योंकि तुम ही कर्म करते हो, तुम ही कर्म देते हो, करने वाले भी तुम ही हो और देने वाले भी तुम ही हो, भीतर बैठे हो और जान रहे हो सब कुछ। तो गिल्ट खत्म हो जाती है, अपराध बोध खत्म हो जाता है, अफसोस खत्म हो जाता है। और जब तक ये अफसोस में हम जिएंगे, जब तक हम इस गिल्ट में जिएंगे कि हमने विस्मरण हम नहीं कर पा रहे, हम कट गए हैं, इस गिल्ट में अगर हम जिएंगे तो अपराध बोध से सिकुड़कर, उदास होकर हम परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, और इसलिए गैर गंभीरता आती है, गंभीरता से टूटना होता है। तो इसलिए याद रखना, जैसे कबीर साहब कहते ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। तो सुख पहले जब आया है जीवन में, उस समय जुड़ लो प्रभु से। एक दूसरा, जब हम जुड़ने जा रहे हैं, जब हम ध्यान में बैठने जा रहे हैं, तो थोड़ा अपने भीतर एक हास्य विनोद भाव, गैर गंभीरता भाव के प्रयोग कर लो, उसके बाद आसानी से हम अपने अंतरतम की गहराइयों में जा सकते हैं। जब जीवन में उदासी है, जब जीवन में बहुत ज्यादा झंझावात है, उत्तेजनाएं हैं, उस समय दुख है, दुख की गहराई में मत बैठना। पहले थोड़ा उससे मुक्ति के उपाय, और उसके बाद फिर अपने अंतरतम की गहराइयों में डूबना।